वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्मॉल क्वेश्चन कि अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि आपको जिंदगी भर मीडिया टेक के प्रोसेसर यूज करने पड़ेंगे या फिर आपको यूज करने पड़ेंगे क्वालकॉम के प्रोसेसर्स, तो किसको आप चूज करोगे। एंड शुरू करते हैं इस वीडियो का, पता लगाते हैं कि स्नैपड्रैगन 780G एंड डायमेंसिटी 900 में से कौन सा ज्यादा बेटर प्रोसेसर है। तो पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर लॉन्च डेट की, तो यहाँ पर डायमेंसिटी 900 लेटेस्ट चिपसेट है, बिकॉज ये लॉन्च हुआ है 13 मई 2021 में। जबकि अगर हम बात करते हैं दोनों के सीपीयू फैब्रिकेशन की, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 780G बेटर निकल गया था, बिकॉज ये यहाँ पर बेस्ड है 5nm के फैब्रिकेशन पे। बात करते हैं यहाँ पर रैम सपोर्ट की, तो दोनों में हमें LPDDR4X का रैम का सपोर्ट तो मिलता ही है, बट यहाँ पर डायमेंसिटी 900 में हमें LPDDR5 के रैम का सपोर्ट भी मिल जाता है। अभी तक यहाँ पर जो रैम का स्पीड है वो अभी तक बताया नहीं गया है, बट ऑल दो LPDDR5 का सपोर्ट होने की वजह से डायमेंसिटी 900 यहाँ पर बेटर निकल के आता है। स्टोरेज के मामले से यहाँ पर दोनों ही इक्वल है, बिकॉज दोनों में ही EMMC 5.1, UFS 2.1 एंड UFS 3.1 का हमें सपोर्ट मिल जाता है। ISP के मामले में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर बेटर निकल के आता है स्नैपड्रैगन 780G, बिकॉज यहाँ पर हमें ट्रिपल कैमरा तक का सपोर्ट मिलता है इनबिल्ड, एंड यहाँ पर ट्रिपल कैमरा अप टू 25 मेगापिक्सल का लगाया जा सकता है। ऑल्दो यहाँ पर ड्यूल कैमरा सेंसर का जो सपोर्ट है वो भी ज्यादा है, इवन यहाँ पर सिंगल कैमरा का सेंसर का सपोर्ट भी ज्यादा है। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, बिकॉज जो कंपैरिजन है आप देख कर ही पता लगा सकते हो कौन सा बेटर है, तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी डाउट आता है तो आप जरूर से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। बट ऐसी वीडियो में कब से बना रहा हूं, मेरी जो ऑडियंस अभी तक ट्रेंड हो चुकी है एंड वो देख कर ही बता सकती है कि कौन सा बेटर है एंड कौन सा बेटर नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पर दोनों ही कैपेबल है 4K तक की फुटेज को 30 FPS रिकॉर्ड करने के लिए, एंड यहाँ पर फुल HD प्लस तक की वीडियो को 120 FPS पे रिकॉर्ड कर सकती है स्नैपड्रैगन 780G। एंड यहाँ पर स्लो मोशन के लिए 720p का वीडियो भी रिकॉर्ड किया जा सकता है 480 FPS पे। ऑल्दो यहाँ पर डायमेंसिटी 900 में अभी तक स्लो मोशन के ऊपर कोई भी बात नहीं बताई गई है, बट यहाँ पर एक बात अच्छी है कि हमें यहाँ पर मीरा विजन का सपोर्ट मिलता है, जो कि ऑल्दो आपके जो मीडिया कंजप्शन है वो बेटर कर देता है। बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले सपोर्ट की, तो यहाँ पर दोनों में ही फुल HD प्लस तक के डिस्प्ले को लगाया जा सकता है, बट यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट है वो ज्यादा सपोर्टेड है स्नैपड्रैगन 780G में, जो कि है 144Hz। मॉडेम की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर मॉडेम के मामले में अगेन स्नैपड्रैगन 780G बेटर निकल के आता है। ऑल्दो यहाँ पर दोनों में ही 5G मॉडेम का सपोर्ट हमें मिलता है, दोनों ही 5G को सपोर्ट करते हैं, बट यहाँ पर स्नैपड्रैगन 780G में डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड ज्यादा हमें मिलती है। ऑल्दो यहाँ पर डायमेंसिटी 900 का ऑफिशियल अपलोड स्पीड अभी तक नहीं मिला है, बट ऑल्दो डाउनलोडिंग स्पीड को देखते हुए अपलोडिंग स्पीड ऑफ कोर्स स्नैपड्रैगन 780G से कम ही निकलने वाली है। फटाफट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सीपीयू की, तो अगेन यहाँ पर स्नैपड्रैगन 780G बेटर सीपीयू हमें प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर हमें पहली बात तो 3 क्लस्टर मिलते हैं, ऊपर से यहाँ पर हमें ज़्यादा कोर मिलते हैं हायर परफॉर्मेंस वाले। यहाँ पर हमें ऑल दो 4 कोर मिल रहे हैं कॉर्टेक्स के A78 पे बेस्ड। यहाँ पर जो बूस्ट क्लॉक स्पीड है वो है 2.4 GHz की, एंड यहाँ पर जो एफिशिएंसी वाला जो क्लॉक स्पीड है वो है 1.8 GHz की। ऑल दो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डायमेंसिटी 900 की, तो यहाँ पर हमें दो ही क्लस्टर मिल रहे हैं, एंड पहले क्लस्टर में यहाँ पर कॉर्टेक्स के A78 वाले कोर में मिलते हैं, एंड यहाँ पर जो क्लॉक स्पीड है, जो हायर क्लॉक स्पीड है वो है 2.4 GHz, एंड जो बेस क्लॉक स्पीड है वो है 2.0 GHz। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा कोर मिल रहे हैं पावरफुल वाले स्नैपड्रैगन 780G में। ऑल्दो यहाँ पर बूस्ट क्लॉक स्पीड दोनों की इक्वल है, बट जो नॉर्मल क्लॉक स्पीड है, जो एफिशिएंसी वाली जो क्लॉक स्पीड है, वो थोड़ी सी कम है स्नैपड्रैगन 780G में, जो कि ऑल अराउंड बेटर ही है, बिकॉज यहाँ पर आपका जो पावर एफिशिएंसी है वो कुछ मार्जिन से बढ़ जाएगा स्नैपड्रैगन 780G में। तो सीपीयू के मामले में यहाँ पर हैंड्स डाउन स्नैपड्रैगन 780G बेटर है। पहली बात तो एफिशिएंसी के मामले में, मतलब पावर जितना ये दे रहा है सीपीयू उसके अकॉर्डिंग एफिशिएंसी भी ज़्यादा दे रहा है, एंड जो पावर है वो तो ऑफकोर्स ज़्यादा ये दे ही रहा है। बात करते हैं यहाँ पर जीपीयू की, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 780G में हमें मिलता है क्वालकॉम एड्रिनो 642 GPU, जो कि 600 MHz पे क्लॉक्ड है। एंड ऑन दी अदर एंड यहाँ पर हमें डायमेंसिटी 900 में मिलता है नया GPU ARM माली G68 MC4। ये क्वाड कोर GPU है एंड 5 नैनोमीटर पे बेस्ड है, बट अगर हम दोनों कंपेयर करते हैं तो स्नैपड्रैगन 780G का GPU इसको कते ही जीतने नहीं देता है। काफी ज्यादा बढ़िया GPU है स्नैपड्रैगन 780G का, एंड यहाँ पर सेंचुरी मार्क है
हमारे पास स्नैपड्रैगन 780G का तो आ गया है, बट अभी तक डायमेंसिटी 900 एकदम ही लेटेस्ट चिपसेट होने की वजह से अभी तक ऑफिशियल स्कोर्स नहीं आए हैं। बट अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हो तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन एंड जो कमेंट सेक्शन है उसको आप देख लेना, वहाँ पर शायद से मैंने अपडेट कर दिया होगा अगर मेरे पास स्कोर आ गए होंगे तो। लास्टली बात करते हैं यहाँ पर N22 की, तो यहाँ पर N22 में स्नैपड्रैगन 780G काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ पर 5,67,000 के आसपास स्कोर करता है स्नैपड्रैगन। ऑन दी अदर हैंड डायमेंसिटी यहाँ पर स्कोर करता है 4,80,000 के आसपास, ऑल्दो यहाँ पर जो गैप है लगभग 70 से लेके 80,000 का आपको मिल रहा है। सो ऑल्दो यहाँ पर कह सकते हैं कि राउंड फिगर 1,00,000 का फर्क है दोनों के बीच में, स्नैपड्रैगन 780G बेटर निकल के आता है N22 में एंड सिंथेटिक बेंचमार्क में। तो अगर लास्ट में समरी बताओ तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 780G एक ऑलराउंड बेटर चिपसेट है, यहाँ पर हमें सब चीजें बेटर मिलती है स्नैपड्रैगन 780G में। यहाँ पर जो फैब्रिकेशन है वो बेटर है, जो रैम है वो यहाँ पर डायमेंसिटी 900 में बेटर ऑफर कर रहा है, बट ऑल्दो यहाँ पर LPDDR5 का रैम मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए यहाँ पर स्नैपड्रैगन 780G भी आपको LPDDR4X का रैम ही ऑफर करेगा। एंड अगेन यहाँ पर डायमेंसिटी 900 में भी आपको LPDDR4X का रैम ही मिलने वाला है, ये तो कन्फर्म है। बात करते हैं यहाँ पर ISP की, तो अगेन यहाँ पर स्नैपड्रैगन बेटर है, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग में दोनों लगभग इक्वल मान के चल सकते हो। अब डिपेंड करता है कि कैसे इसको ऑप्टिमाइज किया जाता है स्मार्टफोन कंपनीज के द्वारा। डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर अगेन स्नैपड्रैगन बेटर है, मॉडेम में अगेन स्नैपड्रैगन बेटर है, CPU में अगेन स्नैपड्रैगन बेटर है, गेमिंग करनी है स्नैपड्रैगन की तरफ जाओ स्नैपड्रैगन बेटर है, एंड लाइक GPU भी यहाँ पर स्नैपड्रैगन का ही बेटर निकल के आता है। तो जितने भी रेंडरिंग टास्क होंगे, जितने भी GPU इंटेंसिव टास्क होंगे, वो स्नैपड्रैगन 780G में बेटर कैरी आउट हो जाएंगे। ऑल्दो मुझे इतना ही बताना था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, ज्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ बिकॉज लोगों का टाइम ज्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ एंड वीडियो खत्म करता हूँ। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, अगर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। एंड टिल देन दिस इज निक साइनिंग ऑफ।